हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित हरियाणा जी के आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो आज का मॉर्निंग शिफ्ट का जो हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ है, एचएसएससी ने अभी लिया है, आज 11 तारीख 2018 जो है ये 11 नवंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग में, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम सोल्व करते हैं। उसकी हरियाणा जी के लगभग हमारे पोर्शन से 23 या 24 क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि भाई हरियाणा जीके में ये 23 या 24 जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या क्या हैं। भाई लगभग क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थी बस, और भाई लगभग पेपर है वो आसान है। तो आइए सोल्व करते हैं हरियाणा जीके आज के मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर। तो भाई जो क्वेश्चन है वो देखें कि भाई पहला क्वेश्चन है भाई मैगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है। तो दोस्तों मैगनीज आपको मैंने बताया था कि भी मैगनीज कैलेसाइट और भाई अभ्रक बेराइट ये लोहा और भाई ये सारी चीज़ें महेंद्रगढ़ में मिलेंगी। तो भाई ऑप्शन में महेंद्रगढ़ था तो भाई मैगनीज महेंद्रगढ़, और ऑप्शन में ए बी सी करके अपर मतलब उपरोक्त सभी आए तो भी आपको उपरोक्त सभी करना है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, इसीलिए महेंद्रगढ़ को भाई खनिजों का घर कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो भाई पहले का जो ये क्वेश्चन आया कि मैगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है, भाई मैगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया। भाई उर्दू के आपको पता है कि भाई उर्दू के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कवि हुए हैं वो भाई कौन हुए हैं, अल्ताफ हुसैन हाली। तो भाई अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा ही ये भाई पहला घोषणा पत्र लिखा गया था। तो पहला घोषणा पत्र या भैया इन्होंने कविताएँ भी लिखी हैं, तो उर्दू में कविता भी आए तो इनका ही नाम लेना है। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के प्रमुख साहित्यकार हुए हैं भाई, और समाड़खा पानीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन है कि भाई बाण भट्ट ने कौन खालिस्तान लिखा। भाई बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था, भाई मैंने बताया था दरबारी कवि किसका है, ये दरबार किसके दरबार में रहता था, भाई हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। तो भाई हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। पुस्तक इसने दो लिखी हैं, भाई कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं, दो पुस्तकों का इसने विमोचन किया है, दो पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं भाई, एक तो है हर्षचरित और दूसरी है भाई कादंबरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, कादंबरी। मैं साथ साथ इनके एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके अगले जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भाई बाण भट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, भाई हर्षचरित और कादंबरी। हर्ष का वर्णन कौन सी पुस्तक में है, ये क्वेश्चन आए तो भाई हर्षचरित में, हर्ष के जीवन पर लिखी गई है, उसके साम्राज्य का इस पुस्तक में वर्णन है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर चार है, वो देखिए है भाई हरियाणा राज्य में खालिस्तान जिले हैं। तो हरियाणा में टोटल जिले तो वैसे बहुत हैं, लेकिन हरियाणा में टोटल झीलों की संख्या भाई हमें कितनी करके आनी है एग्जाम में, छः करके आनी है। और वो छः झील आप देख सकते हो भाई, करण, उसके बाद तिलियार बड़खल ये एग्जाम में आई भी है, सुल्तानपुर उसके बाद ये, और नेक्स्ट पूछे तो भाई दमदमा ये हो गई। करण कहाँ पे है भाई, करनाल में, तिलियार रोहतक में, और बड़खल फरीदाबाद में, और भाई सुल्तानपुर गुरुग्राम में, और भाई दमदमा भी गुरुग्राम में, और एक और बचगी वो है भाई कोटला ये मेवात में है, मेवात या नू में भाई। तो ये छह झील मानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये छह झील हरियाणा में प्रमुख मानी गई हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कितनी झीलें प्रमुख है तो छह नाम भी पूछ सकता है, कहाँ पे हैं वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है भाई कि महाभारत में, और एक क्वेश्चन ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि छः का एक क्वेश्चन और, जैसे हरियाणा में विकलांग स्कूल कितने हैं, विकलांगों के लिए, हैंडीकैपों के लिए भी विकलांग भी शिक्षित स्कूल हैं, और हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डे भी कितने हैं भाई, गैर सैनिक हवाई अड्डे भाई 6 हैं। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो ये क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, महाभारत के अध्याय में खालिस्तान भगवत गीता है, महाभारत के खालिस्तान अध्याय में भगवत गीता है भाई, महाभारत के खालिस्तान अध्याय में।
तो वो अध्याय क्या है भाई, 18वें अध्याय में भाई, 18वां अध्याय है जिसमें महाभारत में भगवत गीता का वर्णन है। भगवत गीता, भगवत गीता का वर्णन है। गीता का दूसरा नाम गीता उपनिषद है भाई, गीता उपनिषद। और आपको मैं बता देता हूँ कि महाभारत में 18 बहुत ही फेमस है, क्योंकि 18 के दो तीन क्वेश्चन बनते हैं 18 का। जैसे भी महाभारत का दिन कितने युद्ध दिन चला भाई, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, महाभारत में कितने, महाभारत के जो अध्याय हैं वो कितने हैं 18, गीता के भी कितने अध्याय हैं भाई 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं गीता में। आपको ये जो 18वें अध्याय में 700 श्लोक लिखे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको 18 के बारे में आपको याद रखना है कि भाई महाभारत का खालिस्तान अध्याय में गीता है, तो भाई ये आपको याद रखना है कि भाई 18। नेक्स्ट है भाई हरियाणा के क्वेश्चन नंबर मैं एक बार रफ करता हूँ, 6। एक बार आप देखें और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आपके होंगे उनमें ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, हरियाणा जी के इनके ऊपर ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, हरियाणा के विधिमंडल में हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित कब हुआ भाई, तो भाई बिल पारित हुआ संशोधन बिल, ये पीछे भी एग्जाम में आया था, बिल पारित हुआ भाई 2016 मार्च 2016 में भाई ये बिल पारित हुआ था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 2016 वाला ऑप्शन है वो भाई बिल्कुल राइट रहेगा। संशोधन बिल भाई नगर निगमों का, नगर निगम संशोधन का बिल पास हुआ था भाई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन है भाई रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में समृद्ध है भाई, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ और भाई गुरुग्राम समृद्ध हैं भाई, किसमें समृद्ध हैं, तो भाई स्लेट का जो ऑप्शन में जो दिए हैं उनमें भाई स्लेट इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है हरियाणा में, तो स्लेट का इसका आंसर होगा भाई, क्या आंसर आएगा, स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा 8 का, जो 8वां क्वेश्चन देखिए हरियाणा जीके का, हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है भाई, मतलब हरियाणा खालिस्तान करने वाला पूर्ण करने वाला पहला राज्य, ये पहले भी आया था कि पूर्ण करने वाला पहला राज्य क्या है भाई, भाई पुलिस स्टेशन सभी जिलों में करने वाला है ये भाई, पुलिस स्टेशन सभी जिलों में है ये, ऐसा काम करने वाला पुलिस स्टेशन, यानी कि भाई महिला पुलिस स्टेशन जो हैं वो 29 अगस्त 2015 से शुरू किए थे और हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन है ये पूछा है, तो भाई पूर्ण करने वाला महिला पुलिस स्टेशन पूर्ण करने वाला राज्य बन गया है पूरे भारत में ही हरियाणा। नेक्स्ट जो 9वां क्वेश्चन है वो देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या है भाई कि हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे, मतलब गरीबी रेखा का मतलब बीपीएल ब्लू पॉवर्टी लाइन, यानी कि भी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं भाई, वरिष्ठ नागरिक होते हैं भाई जिनकी उम्र 60 साल हो, ये मैं लिख देता हूँ पहले ही कि 60 साल जिनकी जो वृद्धा पेंशन भत्ता योजना के हकदार हैं, जिनकी 60 साल से ज़्यादा एज है वो वरिष्ठ नागरिक गिने जाएंगे, तो भाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए खालिस्तान योजना शुरू की, तो भाई कौन सी योजना शुरू की आप सभी जानते हैं भाई, उनके लिए भाई तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है 1 अप्रैल 2017 से। और भाई इसमें क्या है कि भाई जो बीपीएल और एससी कैटेगरी के जो लोग हैं जो 60 साल से ज़्यादा हैं वो भाई हरियाणा सरकार के पैसों पे भाई तीर्थ दर्शन करके आएंगे हरियाणा में, या भारत में जितने भी तीर्थ दर्शन के स्थल हैं उन पे उनको ले जाया जाएगा। जनरल वालों को भाई 30% अपनी जेब से राशि खर्च करनी पड़ती है, तो भाई बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भाई तीर्थ दर्शन नामक योजना चला रखी है। नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है वो देखिए, हरियाणा खालिस्तान सदस्यों को संसद के उच्च सदन में भेजते हैं। अब संसद का उच्च सदन क्या होता है सभी जानते हैं भाई, संसद का उच्च सदन होता है भाई राज्यसभा, तो राज्यसभा उच्च सदन है ना, राज्यसभा उच्च सदन है, तो हरियाणा को राज्यसभा में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, हरियाणा की राज्यसभा की सीटें हैं कितनी, 5, तो कितने सदस्य भेजेगा भाई, 5 सदस्य भेजेगा, तो आपको ये याद रखना कि भाई उच्च सदन में हरियाणा कितने सदस्य भेजता है भाई, 5। और निम्न सदन कौन सा होता है भाई, लोकसभा, तो लोकसभा में आपसे पूछे जाए तो भाई कितने सदस्य भेजेंगे हम, 10, यानी कि 10 सभ्य भेजते नहीं ये चुने जाते हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं भाई, 10। लोकसभा के लिए आपसे पूछा जाए कि भाई लोकसभा के लिए हरियाणा से कितने सदस्य के चुनाव होते हैं, तो 10 सीटों पर चुनाव होते हैं, ठीक है। विधानसभा में भाई 90, विधानसभा में कितने होते हैं 90, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 11 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, 11 का क्वेश्चन है भाई, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया भाई, बात सीधी यही है कि भाई पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो अधिनियम भाई लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन था
संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था भाई ये 1994 में। तो ऑप्शन में 1994 था तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि भाई संविधान संशोधन भाई 1994 के तहत यह लागू किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि भाई 12 का जो क्वेश्चन है वो देखिए कि सिपाही विद्रोह खालिस्तान में हुआ भाई, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये नेशनल जीके का भी हो सकता है। सिपाही विद्रोह हुआ भाई 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं भाई, जन क्रांति विद्रोह कह देते हैं या सिपाही विद्रोह भी कह देते हैं भाई, 1857 की क्रांति का ही नाम है भाई सिपाही विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार रफ करता हूँ, 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस पेपर के हरियाणा जीके जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया है अभी 11 तारीख का जो एग्जाम था उसमें। तो आगे क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही आसान नॉर्मल पेपर है, एचएसएससी ने थोड़ा लैंग्वेज घुमा के दिया है और इतना क्वेश्चन हार्ड नहीं है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 13 का। देखिए भाई, खालिस्तान ग्राम पंचायत, आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है भाई, हमारे गांव की जो पंचायत के प्रमुख, आप सभी जानते हैं प्रमुख को क्या कहते हैं भाई, मुखिया, या फिर भाई प्रमुख आ जाए तो भाई गांव का मुखिया कौन होता है भाई, सरपंच होता है। जैसे राज्य का मुखिया राज्यपाल, तो इसीलिए गांव का सरपंच भाई गांव का मुखिया होता है, और पंचायत समिति में आ जाए तो वो चेयरमैन होता है पंचायत समिति का। तो ग्राम पंचायत में मुखिया कौन है भाई, पंच, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये झीलों के बारे में मैंने हमारी वीडियो में डाली थी, मैंने उसमें बताया था कि भाई बड़खल झील कहाँ है, तो बड़खल झील इंपॉर्टेंट झील है भाई फरीदाबाद में। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया था कि भाई बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, 206 एकड़ में ये फैली हुई है और कहाँ पे है भाई, तो ये अपने फरीदाबाद में है, दिल्ली से 31 किलोमीटर दूर है भाई, दिल्ली से 31 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कहाँ पे है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट 15 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, 15 का क्वेश्चन है कि भाई हिनसोंग, आप सभी जानते हैं हिनसोंग कि भाई विदेशी यात्री था, हिनसोंग एक खालिस्तान यात्री है, तो भाई खालिस्तान यात्री है मतलब किस देश का है, ऑप्शन में थे तो चीनी यात्री है, चीन का एक यात्री था फाइयान और ये हिनसोंग, तो शासन टाइम में किसके में आया था भाई दोस्तों, हर्षवर्धन के शासन में ये हरियाणा में आया था, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, हिनसोंग ने पुस्तक कौन सी लिखी थी, तो हिनसोंग की पुस्तक का नाम था भाई सी यू की। तो ये आपसे पूछा जाए कि भाई हरियाणा में हर्षवर्धन के समय जो हिनसोंग आया था उसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो भाई या फिर हरियाणा के थानेश्वर का वर्णन किस पुस्तक में किया है भाई, तो आप सभी बताएंगे कि भाई सी यू की नामक पुस्तक, और इसे विदेशी यात्री भारत आया था और 627 से लेके और 643 तक ये हरियाणा में रहा, और उन्होंने भाई भ्रमण किया हरियाणा में काफ़ी जगह, महाभारत के युद्ध का भी उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में वर्णन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए 16 का, साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं भाई, ये साहिबी नदी भाई अरावली पर्वत श्रेणियों की नदी है, जो भाई साहिबी नदी अजीतगढ़ मनोहरपुर के बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है, और साहिबी नदी का दूसरा नाम है भाई, दूसरा नाम पूछा है तो दूसरा नाम आपको याद रखना है कि भाई दृश्यवती, ऑप्शन में है तो दृश्यवती इस नदी का दूसरा नाम है, दृश्यवती राइट है। और आपसे आगे भी पूछ सकता है कि भाई अरुणा किसका नाम है दूसरा, तो मारकंडा का है मारकंडा, हरका किस नदी का नाम है भाई दूसरा, घग्गर का नाम है, तो ये भी आगे आपको आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अरुणा मारकंडा को कहते हैं और भाई हरका घग्गर को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। टांगरी को टांगड़ी कहते हैं, इस चीज़ में आप कर दोगे एग्जाम में तो टांगड़ी भी कहते हैं, इस चीज़ में कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट 17 का जो क्वेश्चन है वो देखिए भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में भाई, प्रकाश का त्यौहार क्या है, आप सभी जानते हैं कि भाई रोशनी या प्रकाश का त्यौहार, अभी हमने हाल ही में जो कार्तिक मास की अमावस्या आती है उसको मनाया है, कि भाई प्रकाश का त्यौहार क्या है भाई, दिवाली, दीपावली भी बोल देते हैं दिवाली भी बोल देते हैं, कब मनाई जाती है भाई, कार्तिक मास की जो अभी गया है हमने मनाया है कार्तिक मास की भाई अमावस्या, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाई अमावस्या को ही कार्तिक मास की अमावस्या को ही दीपावली हर बार आती है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश का त्यौहार कौन सा है, दिवाली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए 18 का जो क्वेश्चन है वो है भाई, भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार खालिस्तान कहलाता है, आप सभी जानते हैं विजयदशमी का जो त्यौहार है वो कौन सा है भाई, विजयदशमी का त्यौहार बोल देते हैं, या विजयदशमी कब किसको बोलते हैं, दशहरा को भाई, तो ये भगवान राम का रावण पर विजय त्यौहार, तो आप सभी जानते हैं विजय त्यौहार क्यों मनाया जाता है भाई, विजय त्यौहार भाई ये दशहरा है भाई, विजयदशमी का त्यौहार रावण की मृत्यु करके जो ये त्यौहार इसी की याद में, मतलब भगवान राम ने
सत्य पर विजय प्राप्त की थी, तो इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए 19 का, कि भाई भगवत गीता में और खालिस्तान और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप हुए। आप सभी जानते हैं कि भाई गीता का उपदेश भगवान कृष्ण जी ने दिया था, भाई किसको दिया था, तो भाई अर्जुन को दिया था। तो अर्जुन को दिया था तो भी वार्तालाप भी किन के बीच होगी, तो इन्हीं के बीच होगी वार्तालाप भी। तो वार्तालाप के बारे में पूछे तो भाई कृष्ण जी को दिया था, और आपसे पूछे कि 45 मिनट में ये उपदेश दिया और 18 दिन तक दिया भाई, लगभग आपसे पूछा जाए कि भाई लास्ट टाइम 45 मिनट दिया था युद्ध में, और आपसे पूछे कि कितने दिन तक दिया, तो भाई 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, तो 18 के 18 दिन भाई कृष्ण जी ने अर्जुन से वार्तालाप की और गीता का उपदेश दिया था। एक बार मैं रफ करता हूँ, आप देखते जाएं, हमारे महाभारत में 18 का बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अध्याय आपसे पूछे, शादी भी कितनी प्रकार की होती हैं, तो 18 प्रकार की ये विवाह जो पूछे जाते हैं वो, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18 का आंकड़ा, हमारे महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, तो 18। मैं एक महाभारत पे वीडियो बनाऊंगा जल्दी आपके एग्जाम से पहले, जो आगे होने वाले हैं उन एग्जाम से पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 जो हो गए, 20वां है कि भाई वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में इसमें बोई जाती है, भाई जून में बोई जाती है, जून में बोई जाने का मतलब भाई आप समझ जाओगे, जून में बोई जाने वाली मतलब खरीफ की फसलें होंगी, तो खरीफ की फसलों में जैसे आ जाता है भाई बाजरा जवार, ये आती हैं बाजरा जवार जो अभी बोई गई थी, और हमने अक्टूबर नवंबर के महीने में, मतलब नवंबर के महीने में हमें या अक्टूबर के लास्ट महीने में इस फसल को काट लेते हैं, तो जून में बोई जाने वाली और नवंबर में काटी जाने वाली, काटी जाने वाली भी कौन सी है, तो वो फसल क्या होती है भाई, खरीफ की फसल होती है, तो भाई खरीफ आ जाएगा इस चीज़ का आंसर, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन है कि भाई भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है, भाई गीता के अनुसार, गीता के अनुसार हम भगवान से कैसे जुड़ते हैं, तो भगवान के साथ हम भक्ति करके भी जुड़ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गीता के अनुसार भक्ति करके भी हम जुड़ सकते हैं भगवान से, अपने अच्छे आचरण की वजह से तो हम भक्ति करके भी भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, ये बात गीता में कही गई है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी, भाई हरियाणा के लोगों के, हरियाणा के लोग मतलब इसमें किसी पर्सनली नहीं कहा गया कि भाई किन लोगों के द्वारा, तो हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली, पहने जाने वाली भाई पगड़ी को हम बोल देते हैं खंडवा, पगड़ी को क्या बोल देते हैं भाई, खंडवा बोल देते हैं। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखें, सैनिक का नाम आ जाता या फिर राजपूती का आ जाता या फिर भाई मारवाड़ी आ जाता, या फिर भाई मारवाड़ी को बोल देते हैं मेवाती, ठीक है ना, मारवाड़ी या मेवाती। अब आता है ये आम पुरुष, आम पुरुषों का क्वेश्चन आ गया, तो आम को तो खंडवा कह ही देंगे, तो भाई सैनिक को भाई क्या बोलते हैं, साफा बोलते हैं, राजपूती ढंग की पगड़ी को पाग बोलते हैं, मारवाड़ी को भाई मेवाती को या मारवाड़ी को भाई पगड़ बोल देते हैं, और भाई आम को अभी बताया ही है आम पुरुष जो पहनते हैं उनको भाई खंडवा बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, खंडवा कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे हरियाणा के इसी एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। और भाई जो ये आप जानते हैं कि भाई हमारा इस एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आगे एग्जाम होंगे, क्योंकि एचएसएससी क्या करता है कि जो इस एग्जाम में जैसे 22 क्वेश्चन आए हैं, तो इन 22 क्वेश्चनों में से 3-5 के समथिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछती है। तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछने का मतलब यही है कि हम इन पेपरों को भाई बिल्कुल ही मतलब डीप पढ़ के जाएं, और इनके ऊपर की जो आगे पीछे की बातें हैं, इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ें, और हम जाने कि भाई ये क्वेश्चन आया है तो इससे आगे, जैसे इसमें ही आ गया कि भाई आम लोगों के द्वारा पहने जाने वाली, आगे किसी कोड में आ जाएगा कि भाई सैनिकों के द्वारा या राजपूतों के द्वारा गीता के अनुसार जुड़ने का भी माध्यम, आपसे पीछे कल के एग्जाम में आया था जैसे रवि की फसल कब बोई जाती है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, हम पेपर के मतलब जो एचएसएससी ने पैटर्न बनाया है हम उसी के हिसाब से आगे की वीडियो डालते रहेंगे, और आपके जो 17-18 के एग्जाम होने हैं उनके लिए हमारा जो 4 या 5 दिन का प्रयास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भाई हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं लोगों को जिनका एग्जाम है उन तक पहुँचाएँ,
और भाई हरी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हमें पूछना है तो आप बता सकते हैं मैसेज करके कमेंट में, आप कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि भाई कोई भी क्वेश्चन है हमें तभी पता लगेगा तब आप हमें बताओगे। तो कोई भी आपके पेपर से रिलेटिव या कोई भी क्वेश्चन में सस्पेंस हो तो बता दीजिए, ठीक है। और एक आधे क्वेश्चन में HSSC कुछ आंसर दिखा सकती है, हम कुछ बता रहे हैं तो भाई वो HSSC के ऊपर निर्भर है वो क्या डालती है, लेकिन हमारे तरीके से हम भाई 100% बिल्कुल ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तो ये हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ कुछ क्वेश्चन है वो मैंने बता ही दिया कि भाई जैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एग्जाम का, पीछे से 5 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम के रिपीट हो रहे हैं, उन कैंडिडेटों का बहुत अच्छा है जिनका एग्जाम 17 या 18 को है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ये 4 एग्जाम हो गए 10 को और 11 को, वो इनको पढ़कर जाए उनका 50% काम तो इन्हीं एग्जाम से हो जाएगा 10-11 वाले से। तो ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का पेपर 17 और 18 को है वो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के जाए भाई, ठीक है, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें।